हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। ये तुम्हारा मिस्टर पोगो इन द हाउस ब्रो। तो आज निकल गए हम भाई हॉन्टेड प्लेस के लिए। रात को 3 बजे घर से गाली सुन ली है, चुपचाप तुम्हारे मैंने गाड़ी निकाल लिया और अब आओ चलते हैं घूमने। टाटा। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू संडे मॉर्निंग। और आप सोच रहे होगे आज व्लॉग किसने स्टार्ट किया, तो मेरा नाम तो मैं नहीं बताऊंगा। मेरा नाम कौन बताएगा, कौन बताएगा? नाम क्या बताना भाई, शकल देखिए, चूचा चूचा भैया, साडा चूचा भैया है ये। सो भाई फिलहाल देखो हम जा रहे हैं एक हॉन्टेड प्लेस, ठीक है, संजीवन और संजीवन डेल्टा। संजीवन डेल्टा ऐसी लॉजिक लगा रहे, देखो डेल्टा टूटा। अरे भाई तू सुंदरबन डेल्टा नहीं होता उसलिए संजीवन डेल्टा, थोड़ा सा लॉजिक लगा रहे भाई। ज्यादा पढ़ाई कर ली भाई ने। भाई देखो ऐसा है ना, ये मिस्टर पोगो जो चैनल है ना, ये नाम जिसने सजेस्ट किया था ना उसका नाम ये खुद बताएंगे मिस्टर पोगो। नहीं ले लो क्रेडिट, अपना ही ले लो, खुद ही नाम ले लो ना। क्या क्या है मैं बताऊंगा भाई, ऐसा है कि ना हम इस मिस्टर पोगो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसा इंसान है जो किसी भी टाइम कुछ भी कर देता है। चौधरी बात करते ध्यान रखना इसलिए बोल रहे हैं। बाकी कुछ कहना चाहोगे? No comments, sorry brothers. हमारे दर्शक कह रहे हैं बड़े बकचोद आए इस बार, तो ये चूचा बड़ा आराम ही निकल रहा है। तो नाम से गैस नहीं करा इन्होंने, चूचा राहुल तो मतलब चूचा भैया कुछ तो होगा ही होगा। मतलब कहते ना नाम से ही बकचोदी दिख रही है, झलक रही है, मतलब समझ रहे हो समझ रहे हो। सारे दोस्त मुझे एक बुलाते भाई ने इतनी पढ़ाई कर ली, भाई की 3 साल की डिग्री 4 साल में हुई है, कोई दिक्कत नहीं। बताना जरूरी था, मस्त था ना ब्रो, बकचोदी लगेगी। कितने बड़े बकचोद आप कि 1 साल ईयर बैग लगे भाई। देखो ईयर बैग नहीं लगी थी, पेपर नहीं दिए थे और मैं अकेला नहीं हूँ। 102 बच्चे 102 बच्चे है पूरे आर्यभट्ट कॉलेज के, 102 बच्चे 102 बच्चे हैं, पर उसमें से आधे बच्चे हमारे ही हैं। आपने सारा खाता आपका ही खुला पड़ा है ना भाई। बंदे की बकचोदी देख रहे हो, मतलब वह जो पुलिस का सायरन लगा के कति हवाबाज हो रहा है देख रहे हो भाई। ये मुझे कहता है कि भाई संजय वन चलना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई चल। तो कहता रास्ता कहाँ से लूं, मैं कहा भैया ने बोला पहले लू लेफ्ट नहीं तो राइट, यू डिसाइड क्या क्या कर रहा है। हम जस्ट 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। 2 किलोमीटर में भाई, 2 मिनट 2 किलोमीटर में बहुत फर्क होता है भाई। भाई ऐसा कर तू बोल ले ना, मैं रहने देता हूँ, तू ब्लॉग बना ले। अच्छा भाई मेरे को ही बनाना कायदे कानून से। तो भाई 2 मिनट में ना जस्ट 2 किलोमीटर में पहुंचने वाले हैं, वहां जाके मिलते हैं गाइस। हेलो गाइस, भाई गाइस गुस्सो ठीक है, साफ सीधी बात भाई, संजय वन पहुंच गया अपन, ठीक है भाई। बहुत तगड़ी फट रही है, गेट बंद है, अंदर जा रहे हैं। अगर बाहर ना आ पाए व्लॉग आप तक ना पहुंचे तो समझ लेना कि भाई नहीं आ पाए गेट से बाहर। सारी बात खत्म ब्रो, चलते अंदर भाई आओ। अंकल इसकी एंट्री कितने बजे बाद मिल सकती है हमें? रात को देते नहीं क्या एंट्री? क्या कहता है भूत वो ज्यादा मिलते हैं यहाँ पे, किराए पे मिलते होंगे है ना? तोबा तोबा तोबा, अंकल कुछ बोल नहीं रहे, हम यहाँ व्लॉग में आ रहे थे। अंकल बोले हाँ बेटा क्या है, राम 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 भाई। फ्रेंड्स चेता करना पड़ेगा, अंदर तो घुसना है अपने को, भाई इतनी दूर कुछ तो करके जाना पड़ेगा ब्रो। चलते हैं साथ में, मैं भी जाऊंगा ब्रो, मैं भी चलेंगे, दोनों चलेंगे ब्रो, दोनों जा रहे हैं ब्रो। ऐसे चूचा भाई जाएगा, मैं अकेले में यहीं, मैं भी जा। तू देख रहा कितना अंधेरा है साले, देख तो सही। ओ भाई देख रहे हो, मतलब यार सो यार हमें तो मना कर दिया भाई, गार्ड अंकल ने कर दिया मना भाई, अब इतनी दूर जाए एक्सप्लोर करने, अब फट रही है तो भाई कुछ ना कुछ तो करके आएंगे, ठीक है भाई। तो भाई देखो हमें तो यहाँ से चल रहे हैं ब्रो, यहाँ से हल्का फुल्का फटा पड़ा है, ये देख रहे हो यहाँ से कटा कुटा पड़ा है जंगल। ओ भाई ओ डरा दिया भाई, ऐसे चेतक नहीं, यहाँ से चल रहे। 4 बज गए सुबह के, 4 बज गए भाई। यहाँ पे भाई कह रहे एंट्री नहीं मिलेगी भाई, हमें पता करा था आज से 2-3 साल पहले भैया लोग आए थे, मेरे फ्रेंड्स आए थे, वो सब मना कर रहे थे कि कोई भी बैरिकेड्स कुछ भी नहीं लगे हुए थे, पर भाई यहाँ पे इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है, गार्ड्स खड़े हुए हैं। हम आगे से कोशिश कर रहे थे एंटर करने की, रास्ता टूटा हुआ था, वो रास्ता था ही नहीं जाने के लिए एक्चुअली, वहाँ से पानी पानी कुछ ज़्यादा कीचड़ था, दलदल था, तो कैसे जाते यार ब्रो। तो अब सोच रहे हैं कोई नहीं नेक्स्ट टाइम, सोच रहे हैं अर्ली मॉर्निंग आए, मतलब 6:30 खुलता, 6-6 बजे यहाँ पहुँचे, सबसे पहले एंट्री ले और पता करें क्या सीन है क्या नहीं। कोई नहीं, ट्राई करते हैं कभी नेक्स्ट व्लॉग में आने के लिए, नेक्स्ट व्लॉग में आएंगे जरूर, हॉन्टेड प्लेस ट्राई करते हैं, नहीं तो कहीं और ट्राई करते हैं। बहुत सारे बैरिकेड्स लगे, अब क्या कर सकते हैं, बैड लक ब्रो, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं बार बार ही क्या आए भाई, मतलब कि मैंने अभी बोला कि आपको नेक्स्ट में सोच रहे हैं कभी और, पर नहीं
माइंड चेंज कर लिया तुम्हारे भाई ने, तुम बोला था ना भैया ने कुछ भी है बकचोद कुछ भी कर सकता है कभी भी कर सकता है मिस्टर पोगो, तो मिस्टर पोगो अब यहाँ बैठेगा 2 घंटे भाई, 4:30 हो गए 6:30 बजे तक बैठेगा, आज अंदर जाके देखेंगे कोई नहीं, रात को जाए सुबह जाए बात बराबर है, अर्ली मॉर्निंग पहले तुम्हारा भाई खुलेगा गेट का ताले के पहुंच जाएगा, गार्ड का गेट खोलते 6:30 बजे देखते हैं अंदर है क्या साला, क्या हॉन्टेड चीज़ है देखते हैं अभी इस पार्क में जाके चेक करते हैं भाई। बहुत देर के स्ट्रगल के बाद 15 से 20 मिनट की ट्रैवलिंग के बाद अपन लोगों को हेलो फ्रेंड्स ऑमलेट खा लो। तो भाई देखो यहाँ पे सुन ना ध्यान से सुनो, फोकस करो भाई पे। भाई पेट पूजा हमारी हो गई है फिलहाल, भाई नहीं हुई है अभी, एक ऑमलेट और 2 चाय और आ रही है भाई, चाय पिएगा अभी और भाई खाएगा ऑमलेट। तू कहना क्या चाहता है, मैं ऑमलेट ज्यादा खाता हूँ? मतलब भैया ज्यादा खाते, तुम्हारा भाई चाय ज्यादा पीता है तुम्हारा भाई, तेज चीनी वाली ब्रो। इग्नोर दिस पर्सन। भाई देखो यहाँ तो हमें कुछ मिला नहीं फिलहाल और हम वेट कर रहे हैं 6:30 बजे का, जाके एक बार फिर भी देखेंगे भाई क्या है क्या नहीं। टाइम 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 हो रहा है, लाइटिंग खराब कर दी भाई, 58:06 बजने वाले हैं जस्ट, हम तब से वेट कर रहे थे यहाँ पे। नहीं टाइम तो वैसे वो बोलते ना तब भी मान जाते, आपको अपनी बॉडी दिखानी थी वॉलपेपर वाली। यार नहीं ऐसा भाई, चूचा भैया बहुत पतले थे पहले, अभी मोटे हुए हैं तो भैया अपनी फिजिक दिखा रहे, तुमको हवाबाजी कर रहे, साफ सीधी बात मैं ये बताऊं तुम्हें, टाइम दिखाने के रीजन है भैया। आ गए भैया, लाओ भैया, धन्यवाद भैया, लो हमारी आ गई चाय ब्रो। तो भैया देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जस्ट तुम्हें टाइम दिखा रहा था और कहता ये वही बात है, ऑमलेट खाएगा मैं तो खाऊंगा ही भाई। तो अरे इसने यार मसाला नहीं दिया। तो भाई देखो भाप निकल रही गर्मा गर्म और सुबह सुबह ऑमलेट, भाई मजा आ गया। इतनी गाली बक रहे होंगे ना वो इस टाइम खाने देख के चढ़ रहे, क्योंकि किसी को खाने के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए कि भाई हम गर्म गर्म खा रहे हैं ब्रो, अगला बंदा खा पाए नहीं खा पाए भाई, है ना भाई, तो मेरे साथ हो ना भाई, नहीं चढ़ाना चाहिए ना ऐसे किसी को। इसमें ना जादू देखेगा ब्लॉग, हाँ कहेगा साले तुम सुबह सुबह मेरे को लेके नहीं गए ना, हमने चेतक कर दिया, हमने किसी को नहीं बताया, चुपचाप एकदम आया, हमने किसी को भी नहीं बताया फिलहाल, पर हमारा ऐसा कुछ पक्का नहीं था, सब पक्का था झूठ बोल रहे हैं भाई जादू भाई, मैं सच बता रहा हूँ। तो जादू भाई oh you tell me stories you tuck me in and the second you leave I call you right back to check for monsters in my sheets yeah high school was hard you'd fight with my mom I'd fall asleep to the screaming sound machine always speaking left and most। तो भाई अभी हो चुके 6:30 बजे पहुंच गए हम संजय वन, एंट्री हो गया तुम्हारे भाई की, आओ चलो देखते हैं सीधा। भाई कोई भी नहीं, लिटरली तुम देख रहे हो पार्क में बहुत सेक्सी मजाने वाले हैं ब्रो, आज पूछ के साथ दंगल खेलेंगे ब्रो, दंगल दंगल दंगल। तो देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, यू आर इनसाइड अ नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट, एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द प्रिजर्व इट फॉर योर चिल्ड्रन, एंड भूतनी दीदी के बारे में तो इन्फॉर्मेशन दी नहीं, चलो चलते हैं लेट्स गो इट। भाई कुछ दिख ही नहीं रहा ब्रो, ये रास्ता है भी भाई, क्या है भाई, संजय वन आ गया भाई, गाइस संजय वन आ गया, गाइस गाइस संजय वन आ गया, गाइस लेट्स चेक इट ब्रो, आओ चलते हैं ब्रो। तो भाई यहाँ नहीं है कोई भी भूत, ठीक है दिखा तो है नहीं, तो हमको अपने आप को खुद को ही भूत बनना पड़ेगा, क्या करें, पर दिखाना तो पड़ेगा ना, तो हम खुद ही भूत बने। के 6:30 बज रहे भैया की फटरी में, भैया आओ ना, क्या हो गया आओ भाई, मानोगे नहीं सुबह 6:30 पता है भैया, पता है कह रहे हैं अमन ले ना, ले शॉट लो भैया को ना, आना वीडियो में, कह रहे हैं अमन ले ले, ठीक है भैया कोई आपको शूट करता हूँ मैं, बताओ कोई नहीं, सारे झूठ मत बोले तो कैमरे में देख के बोलो भैया, भाई झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, नहीं झूठ नहीं बोल, इधर देखो ना आंखों से आई कॉन्टेक्ट, बोलो भाई झूठ मत बोल। एक तो भाई ठंडी इतनी ज्यादा है ना, सुबह सुबह भी 6:30 बजे इतनी ठंड, और भाई मैं कह रहा हूँ संजय वन में कुछ भी नहीं है, देख रहे हो सूरज, आपको चांद दिख जाएगा, सूरज कह रहा हूँ, चंदा मामा दिख रहा है, मामा दूर के, फोकस लेट मी फोकस, यस दिस वन। भाई देखो ऐसा है ना, संजय वन में तो नहीं है कुछ, ठीक है, पर हाँ
जंगल है तो इस वजह से लोग भाई ये गंदे पानी की नदी है। तुम्हारा भाई जब से बोला था भैया को, मैं बोला भैया शर्त लगा लो, देखो ये पानी दिख रहा है तुम्हें, तुम्हारा भाई देख नीचे जा नहीं सकता, नहीं तो मैं नीचे बिल्कुल फोकस करके दिखाता। कोई नहीं, अंधेरा इतना है भाई, सुबह के 6:30 हो चुके हैं इस टाइम और भाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अंदर तक आ गया मैं, कम से कम 1 किलोमीटर तक हम अंदर आ चुके हैं संजय बन के। भाई सुंदरमल डेंटाइल निकल रहा है जब तुम्हारे भाई के, पर वही चीज़ याद है पर आओ। पर भाई बहुत तेज पानी गिरने की आवाज़ आ रही है, तो देखते हैं थोड़ा अंधेरा तो हो रहा है। वैसे देखा जाए ना, मतलब अगर इतना जंगल है, जंगल में बंदगी वैसे फट जाएगी। हाँ लिटरली, मतलब ये ऐसा कुछ भूत वूत का कुछ नहीं है, आप सबके अगर आप नॉर्मल आओगे ना यहाँ का व्यू और एटमॉस्फेयर देख के रात के टाइम में, आपको लिटरली वैसे ही फट जाएगी। और पहली बात तो रात को आने नहीं देंगे, अर्ली मॉर्निंग तो आने एंट्री नहीं है, 6:30 बजे के बाद ही एंट्री मिलेगी आपको। और भाई मैंने इतना जुगाड़ होने से रिक्वेस्ट कर लिया, अंकल ने आने दिया, अंकल को मैंने पैसे की बात भी कर ली कि मैं अंकल सेटिंग करके एंट्री कर दो, पर अंकल ने मना कर दिया। अब भाई कैसे आ सकते हैं, तो देखा जाए बोगो। यहाँ पे ना जंगल की वैसे लगता है कि बंदे को ना भाई कुछ है यहाँ पे, कुछ है नहीं वैसे यहाँ पे। और तुम्हारे भाई ने ऑमलेट चाय पी थी भाई, सब हजम हो गया, 2 किलोमीटर ज्यादा अंदर घुस चुके हम, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। सिर्फ जंगल है, कुछ है भी नहीं है, और ये कोई रास्ता है शायद, रास्ता कुछ नहीं है, मिथ है भाई, अलग अलग रास्ते निकलते हैं, सब मिथ है भाई। हाँ सारे रास्ते ही है वैसे, कुछ है नहीं यहाँ पे, कुछ भी पेड़ पो। ओह भाई लिटरली देख रहे हो, फट गई भाई तेरी फटी ना थोड़ी सी भाई। काफी देर चलने के बाद हमको ये एक झोपड़ी सी दिखी है संजय वन में, झोपड़ी का मतलब ये कुछ बना हुआ है हल्का हल्का, बाकी ये फोग है उत्तरी, ये लाइट देख रहे हो, आई थिंक ये गार्ड रूम या गार्ड का स्टे है। मेरी फट गई लाइट जलती हुई लिटरली में, एकदम लाइट कहाँ से आई, वॉशरूम नहीं है मे बी, ये स्टे है यहाँ पे, कोई अंदर होगा नॉर्मली, ये नॉर्मल एक पार्क है, पार्क है उस तरह से वाला है, खेलते हैं यहाँ पे। बाकी मैं आपको सारी साइड से दिखा दूँ कि किसी को मिथ हो भाई, मेन है कि भाई जो भी है दिखे, पता चले लोगों को क्या है, ये बंद है चारों तरफ से, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जस्ट ये पार्क है एक, ये देख लो कुछ भी नहीं है ब्रो, कुछ भी नहीं है। सुबह हो ही गई है ऑलमोस्ट, पेड़ लग रहा होगा, तो मैं डरावना कह रहा, सारी बात छोड़ो, पेड़ डरावना लग रहा है। मैं ये आपकी मयूर पहाड़ी संजय वन में, कुछ भी नहीं है, व्यू देखने तो प्यारा लग रहा है, यहाँ भूत है यार। नहीं यार ब्रो, ये तो कुछ अलग गलती चीज लग रही है ब्रो, मतलब गलत है यार, कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट तुम्हें यार मतलब भाई झूठ बोल के कुछ भी कर लो, मतलब भाई ये है वो है, झूठ बोल के तो ठीक है, मतलब सुबह एकदम इतना प्यारा लग रहा है, सुबह भी नहीं रात को भाई, देख हमारी फटरी थी, हम रात को 3 बजे आए थे, अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, फटरी थी पर अब नहीं फटरी कुछ भी, और कुछ है ही नहीं एक्चुअली, ये पार्क है नॉर्मली यार, पार्क है, और जंगल थोड़ा ज्यादा है और पेड़ ज्यादा है, तो इस वजह से बता दे कि हॉन्टेड प्लेस है भाई। संजय वन आए थे भाई, मैंने सर्च करा था गोल टॉप 5 हॉन्टेड प्लेस इन दिल्ली, भाई संजय वन उनमें से एक थी। सुबह से बैठा हूँ भाई, पूरा एक्सप्लोर कर लिया, अंदर तक घूम के आ गया हूँ, रात थी, पूरा अंधेरा था, सुबह हो गया, चांदना हो चुका भाई पूरा का पूरा, तो भाई पूरा एक्सप्लोर हो चुका, कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे जंगल है, जंगल मतलब घना जंगल, बहुत ज्यादा जंगल है भाई यहाँ पे, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला, मतलब ये लोग जा भी रहे हैं, लोग जा भी रहे हैं, तो एक वाइब आ जाती है कि भाई रात को ना थोड़ा सा डरावने वाली, पर कुछ भी नहीं है ट्रस्ट मी ब्रो, कुछ भी नहीं है, एक्सप्लोर्ड भाई डन संजय वन, अब नेक्स्ट चलते कहीं और अगली बार। एक बार तेरी भी फटी थी ना वैसे भाई, एक बार तो ऑब्वियस है यार, रात को भाई फटनी, कैसी बात कर रहे हो, फटी थी हाँ, यस ब्रो फटी थी। Oh,